फिर से एक मामला सामने आया है। सफाई कर्मचारी की भी हैसियत न रखने वाली महिला चलाती है एबॉर्शनल सेंटर। मामला अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय से संबंधित है। बताया जाता है कि जिला मुख्यालय से चंद कदम की दूरी पर चल रहे इस सेंटर की संचालिका ने खुद स्वीकार किया है कि हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी वह इस सेंटर का संचालन कर रही हैं। प्रति केस का वो 8,000 रुपया लेती हैं। अब सवाल यह उठता है कि यहाँ एक तरफ जिला प्रशासन द्वारा फर्जी तरीके से चल रहे अस्पतालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिला मुख्यालय के दोस्तपुर रोड स्थित गोहन्ना चौराहे के बगल में एक टेंट हाउस के नीचे बेसमेंट में इस सेंटर को फर्जी तरीके से चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुँह पर कालिक पोतने का काम इस सेंटर के संचालिका द्वारा किया जा रहा है। लगभग 2 साल पहले अन्नावा बाजार में इसी तरीके का सेंटर उस समय प्रकाश में आया था जब एबॉर्शन के दौरान एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई थी। कुछ दिनों बाद उसकी लाश सिबलीपुर नहर के किनारे बरामद हुई थी। उस घटना से स्वास्थ्य विभाग कोई सबक नहीं लिया। कुछ चंद रुपयों के लिए लोगों की जिंदगी से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है और जिला प्रशासन मूक दर्शक की स्थिति में हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। अनुमान जो बलाई सही है, हम कुछ करे को हम अपन दे हमारे बहु और बेटे हैं ना का मेरे तो बात अच्छा है कि कोनो प्रचार प्रसार ना है ना आपके क्या प्रचार हो इससे बस इस बाइक से संबंध है अपना जो जानते हैं ये बहुत अपन खास है। हां अरे ये हम कहीं बन गए क्या बस सही है सही है आप मेरे प्राइवेट में हाँ हाँ उत सही है उत अब जो वैसे मने जाएगा ना यहाँ कुछ का देंची जो है सही इतना अवैध काम है ना ये क्या यहाँ पे जो डिग्री बा ये क्या जो आसम के वो पुष्टि डिग्री अलाउ नहीं सही नहीं हमसे क्यों बताए तो सही से बता दी कि भैया हो आराम से अपना चला जाया काम भैया बड़ा साफ है विश्वास क्या कर रहा एक तो हम गलत करते हैं एक वो बना लेने चाहिए आपको लाइसेंस टाइप में लेकिन बनेगा नहीं बस ये तो लाइसेंस माइनस का कि ये बड़ी गए ये अपॉइंटमेंट लेकर आओ बी फार्मा कराए बाद में डी फार्मा कराओ डी फार्मा कराए बाद अगर इसे एक साल 4 साल हो सके एक साल भी ये मुमकिन मतलब 3 साल पड़ेगा 2 साल पड़ेगा 1 साल भी 2 साल भी पड़ेगा 2 साल में 15 बेड पे नर्सिंग होम चला सकता है बहुत निकाले बिल्कुल बढ़िया पढ़ाएगी बड़े तो क्या बढ़िया पढ़ेगी लड़के पढ़ते हैं ना हाँ तो जैसे कितना लागत चार्ज वगैरह बता दी माता जी ताकि हम जो घटी बढ़े आगे पीछे मान गए आप क्षेत्र का ही ना हमारे क्षेत्र का ही ना बता दी बताए ठीक है लेकिन हम तो देखने बताया भैया जैसे एक कंसर्न ली है पैसे लिए कुछ कम पैसे लिए आगे पीछे तब 2,000 4,000 5,000 जिसे ज़्यादा महंगा रहा देखा बताइए का लेकिन बहुत गलत अब हम वो बताए थे ना आपके हम एक लड़की क्या ठीक और का करवा जब आदमी अब वह दिक्कत बा आपको बताए थे जैसे इसी बात अब वही जो लागे आप बताए दे मोटे मोटा घटे बढ़े तो बाकी पीछे हो भी करे कुछ ना कुछ तब वो कितना जैसे 5,000 या 10,000 हम जो व्यवस्था बना ली कुछ ना कुछ इमरजेंसी में आदमी कहाँ पाई इठाला में तब बताओ 5 या 10 जो कहदा मतलब विचार है ना आगे 2,000 आगे ना पीछे ना आगे ना पीछे ज़्यादा कम तो आगे पीछे हो ही जाए लेकिन अब एकदम ना रहे कैसे हम कर लाए तो 5,000 मौके पर हम कह लिए कितना 8,000 कमजोर है 27-28 लंबाई आप सबसे आप कितने
आपको देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।